खाली जब मैं जोधपुर का हूँ, मैंने जब CLC का ज्वाइन की थी तो हम मेरे जो चाची है वो हर कोचिंग जाके आई थी जोधपुर की, हर कोचिंग का पूरा अच्छे से चेक किया था कि मैनेजमेंट कैसा है, तो कोई कोचिंग बढ़िया नहीं लगी। फिर हमारे जो चाची के कलीग थे उन्होंने CLC का बताया कि उनका भी बेटा वहीं से सिलेक्ट हुआ था, तो हम गए वहाँ। का सबसे बढ़िया बात लगी उनकी मैनेजमेंट बहुत फ्रेंडली थी, एकदम जैसे फैमिली जैसे बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अब जैसे पता है कोरोना में कोई किसी से मिल नहीं रहा था, तो भी क्या करते हैं हमारी जो ऑनलाइन हमारी स्टडी होती है ना, वो हमारे वो CLC जोधपुर के टीचर हर हफ्ते संडे को बुला के चेक करते कि हम क्या होमवर्क कर रहे हैं, हम रफ कॉपी में कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वही था कि वही उसने मुझे ऑनलाइन में बना के रखा कि ऑनलाइन में पढ़ाई करनी है। फिर हमें क्या गलती करने वाला था कि जब ये ऑफलाइन शुरू हो गई तो मेरा था कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ लूँगा, वो मेरी गलती हुई थी, पता नहीं था उस समय क्या करना है। तो उस समय वो मनोज सर का फ़ोन आ गया जोधपुर से कि ऑफलाइन मत पढ़ो, क्या ऑनलाइन मत पढ़ो, ऑफलाइन ना होगी ज़्यादा बेसिक क्लियर होगी, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ रही मेरे लिए। फिर हम चलते गए, मेरे लिए सबसे बढ़िया बात रही कि हर जगह मुझे सही इनपुट मिलते रहे, कि कहीं मैं भटकता तो मुझे मेरे टीचर गाइड करते थे। फिर अब ये हुआ, फिर जब फिर CLC जोधपुर में पढ़ा मैं कुछ महीने, फिर वो कोविड के कारण बंद हो गई। फिर मैंने हार्डवेयर CLC सीखकर आया नहीं, वो भी एक गलती थी मेरी कि हार्डवेयर क्यों नहीं आया। फिर वापस वो अजीत सर और मनोज सर के फ़ोन आ गए कि सीखकर आ जाओ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर मैं आ गया, मेरे जो सबसे बहुत सारे टेस्ट हुए थे, मैंने मिड सेशन हुए, बायोकेम हुए, डंगल हुए, DCM हुए, लेकिन जो सबसे बढ़िया टेस्ट मानता हूँ मैं मेरे मिड सेशन मानता हूँ, क्योंकि 11th वीक थी उसमें मानने कोई बुरी बात नहीं कि 11th ऑनलाइन में थोड़ी वीक रह गई थी, तो सबसे कम नंबर भी मेरे मिड सेशन में आए थे, लेकिन वहाँ पे मुझे क्लियर हो गया कि मेरे जो टॉपिक जो वीक थे, कौन से टॉपिक मेरे वीक थे, कौन से स्ट्रॉन्ग थे, तो उसने मुझे हेल्प की कि मेरे आगे जो टेस्ट हुए उनमें नंबर फिर अच्छे आने लगे। फिर मैं तो ये है कि आपके जो मेन चीज़ है कि आपने बेसिक पे रहो, कि ज़्यादा वो नहीं फुआ फुआ नहीं करना कि ये भी बुक ले ली, वो भी बुक ले ली, अपने जो फिक्स बुक रखनी है कि फिजिक्स के लिए यूनिवर्सल, बायोकेमिस्ट्री के लिए NCERT और एग्जाम्पलर, ये बुक है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। और 12th में जैसा कि आपने बॉस कहा था कि बोर्ड पर ध्यान नहीं देना, मैंने वही किया, बोर्ड पर ध्यान नहीं दिया, बोर्ड के एग्जाम की रात को मैं पढ़ता था बस बोर्ड का, हाँ सर एक वही पढ़ता था कि बोर्ड में ध्यान देने नहीं, आपने कहा था नंबर अपने आप आ जाएंगे, लिख के आना है बस, वो करके आ गया और नंबर आ गया बस, और खूब आ गया 94%। और कोई मैसेज? और तो ये है कि 12th वालों के लिए तो ये है कि बोर्ड पे का प्रेशर ना ले, बोर्ड में नंबर आ ही जाते हैं, जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो फिर बोर्ड पे क्या ही उसके सामने। सही बात, सही है। तो आप जोधपुर से सीख रहे हैं? जोधपुर से सीख रहे हैं। तो आपको कौन लोग टोका नहीं करते जोधपुर सीख क्यों जा रहा, बड़े शहर छोटे शहर क्यों जा रहा? ध्यान ही नहीं देते। क्या बात है, जिंदगी में सफल होने की एक शर्त और भी, आप बहरे हो जाओ, सुनो मत लोगों की। आशीष गहलोत जोधपुर से आता है, अभी एक जयपुर से आता है, अब जोधपुर से आते हैं और सीकर आकर सफल हो जाते हैं। एक बार जो ताले हमारे खाली के लिए, थैंक यू।